बेटा मैं खाता हूँ पर लगाता भी हूँ। मेरे निशा को चीट कर रहा है, अब उसके साथ मिलके मैं भी उस औरत को धोखा दूं तो इसमें बुराई ही क्या है? अगर तुम्हें मोहब्बत और दौलत दोनों मिल रहे हैं तो मैं अमीन से शादी करना चाहता हूं। आपकी अच्छी वाली शादी चल रही है महरू के साथ और आप खुश भी थे, मगर अब नहीं हो खुश। देखिए भाभी, मैं शक नहीं कर रहा माहिर पर, लेकिन मुझे लगा आपको बताना जरूरी है। नरमीन का इस ऑफिस में काम करना कोई इत्तेफाक नहीं है। कुछ अर्सा पहले तो तुम मीनाल के साथ बाप बेटी का रिश्ता कायम करना चाह रहे थे, तब मीनाल तैयार नहीं थी। अब लगता है तुम उस रिश्ते से भाग रहे हो। बात सुन, मेरी अटेंडेंस लगा दे कर, सही है अगर लेट भी हो जाऊं। जी जी बेफिक्र, मैं लगा दूंगा। ओके सर। हाँ बाबर कहो। मैंने अभी अभी ना माहिर और नरमीन को साथ बाहर जाते हुए देखा। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो बाबर, माहिर की अम्मी का एड्रेस मुझे टेक्स्ट कर दो। जी जी भाभी, मैं आपको भी एड्रेस भेजता हूँ। ओके अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, ये आपके लिए। माहिर ने बताया था आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप परेशान ना हो, अब तो हर बीमारी का इलाज आ गया है, आप जल्द सेहतयाब हो जाएंगी इंशाल्लाह। शुक्रिया। आपके शौहर, बेटा, मतलब आप अकेली रहती हैं यहाँ पे? नहीं, मेरा बेटा मुल्क से बाहर है और शौहर शहर से बाहर। एक बेटा इस शहर में भी तो है, अगर आप चाहें तो उसकी तरफ आके रह सकती हैं, या फिर माहिर आ जाएगा आपके पास। इंसान को बीमारी में अकेला नहीं रहना चाहिए। तुम वाकई इतनी अच्छी हो या फिर मुझे मुतासर करने के लिए अच्छी बन रही? असल में माहिर बहुत अच्छा है, उससे मुंसलिक किसी भी फर्द के साथ मैं बुरा कर ही नहीं सकती, चाहे वो नरमीन ही क्यों ना हो। क्या मतलब? मैं जानती हूं कि आप नरमीन को अपनी बहू देखना चाहती हैं। अगर मैं भी आपकी जगह होती ना तो मैं भी यही सोचती। आप गलत नहीं हैं, लेकिन मोहब्बत में गलत सही नहीं देखा जाता। शायद इसीलिए माहिर को मुझसे और मुझे माहिर से हो गई, लेकिन एहसास बाद में होता है कि आपने सही किया या गलत। माहिर को भी अब एहसास होने लगा है कि उससे गलती हो गई है, और मैं इसे गलती सुधारने से रोकूंगी नहीं, इसलिए आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। जी मैं चलती हूं, आप अपना ख्याल रखिएगा और हां, माहिर आता रहेगा आपसे मिलने के लिए।
हमारी लड़कियों का बदला उसने खुद से लिया, अपने से बड़ी उम्र की औरत से शादी करके। जो भी है अब हमारी बहू है, अच्छी इंसान है। माहिर भी खुश था जब तक क्या? जब तक नरमीन से नहीं मिला था। उसे समझाऊंगी ऐसा ना करे, वरना बाकी की जिंदगी भी एक और निजामत में गुजर जाएगी। इस हफ्ते मैं और अम्मी तुम्हारे घर आएंगे। मेहरू ने सर से बात की तुमने? नहीं, मगर बता दूंगा। तुम्हें क्या लगता है उसका क्या रिएक्शन होगा? पता नहीं, मगर परवाह नहीं है मुझे। फिर भी माहिर, तलाक मांगेगी तलाक दे दूंगा, ऑफिस से घर से निकाल देगी। ज्यादा क्या होगा, तुम्हारे साथ अलग रहना पड़ेगा। तैयार हूं मैं हर हालत के लिए। इसका मतलब मुझे भी तैयार होना पड़ेगा। तुम तैयार नहीं हो? अभी भी कुछ शक है तुम्हारे दिमाग में? नहीं, बस ऐसा कुछ नहीं, वैसे ही डर लग रहा है। अगर तुम मेहरू से डर रही हो तो मत डरो, अच्छी इंसान है, उसे डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं खुद से डर रही हूं। कौन? मिनाल। मिनाल कौन? मेहरू की बेटी। तो सुन लो, कोई जरूरी बात करनी होगी। नहीं मैम, बात मत कर लूंगा। देखो नरमीन, इस खौफ को अपने दिमाग से और दिल से निकाल लो। हम निकाह कर रहे हैं, अगर तुम्हारी अम्मी कन्विंस हो जाए तो हमें साथ से शादी कर सकते हैं। मेरी अम्मी चाहती है हम शादी कर लें। फिलहाल मैं आपको आधे घंटे में कॉल बैक करता हूँ। ओके बाबा। चले। ऑफिस कहने का वक्त आ गया। नहीं रहा, तुम बात तो कर लो, बगैर बात किए, कुछ क्लियर किए बगैर, और बस खुदाफिस। ज्यादा बातें ज्यादा वजाहतें बाज़ोकात इंसानों को करीब नहीं बल्कि दूर कर देती हैं। मैं इस ताल्लुक को अच्छे नोट पे खत्म करना चाहती हूँ। हिदायत की जिंदगी में भी मेरे अलावा मुझसे पहले एक औरत थी, माहिर की जिंदगी में भी अकलौती मोहब्बत बनना शायद मेरे नसीब में ही नहीं था। खैर, मुझे इस बात से कोई गिला नहीं है, एक गुमशुदा जिंदगी थी जो मैंने दोबारा जीना चाही थी और जी भी। उसकी मुद्दत मुख्तसर थी लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक बार कहा था कि अगर माहिर जाना भी चाहेगा तो मैं उसे खुश दिली से जाने दूंगी, रोकूंगी नहीं। कैसी बातें कर रही हो मेहरुन्निसा। तो तुमने क्या कहा था, जब मर्द औरत को तलाक देता है तो उसे खुश उसलूबी से जाने देना चाहिए, बहुत कुछ दे दिला के, तोहफे तहफ समेत। मैं भी माहिर को खुश उसलूबी से रुखसत करूंगी, बहुत कुछ दे दिला के, तोहफे तहफ समेत।
ताकि आइंदा जिंदगी में उसे कोई मसला ना हो। बहुत अजीब हो मेरे नसा, अजीब लोग ही मुख्तलिफ काम करते हैं। कहो तो मैं माहिर से बात करूं? हरगिज नहीं, कोई नहीं उसे रोकेगा, मैं भी नहीं उसे रोकूंगी। कोई उससे बात नहीं करेगा, तुम नहीं बात करोगी उससे। जो मुकद्दर में लिखा था वो तो हमने जी लिया है, जाम कड़वा जिंदगी ने जो पिलाया पी लिया है। अच्छी हो गई ना प्रेजेंटेशन? बहुत अच्छी हो गई। तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? कुछ नहीं यार, घर जाऊंगी, बहुत थक गई हूँ। हाँ मैं भी घर जाऊंगी, चलो फिर कल मिलते हैं। ओके अल्लाह हाफिज। मिस नरमीन जी, आप बाबर है ना? अरे शुक्र है मैं आपको याद हूँ, लेकिन आप एक बात भूल रही हैं। क्या? यही कि माहिर शादीशुदा है, उसकी एक बीवी है। क्यों उसकी जिंदगी खराब कर रही हो? क्यों एक औरत का घर बर्बाद कर रही हो? देखो तुम अपनी लिमिट में रहो, तुम माहिर के मुलाजिम हो, उसके दोस्त बनने की कोशिश मत करो। एक्सक्यूज मी, माहिर भी यहाँ पर मेहरुन्निसा का मुलाजिम है, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। और अगर वो मेहरुन्निसा को पूछ सकता है तो तुम्हें तो जरूर छोड़ेगा। अच्छा जी, माहिर मुझसे निकाह कर रहा है इस संडे को। अगर मुझे छोड़ना होता ना तो निकाह क्यों करता? लेकिन निकाह तो उसने मेहरुन्निसा से भी किया है। उस बुढ़िया का मुकाबला मुझसे मत करो। बाकी उनका मुकाबला मैं तुमसे कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक मौज़ब और बाकिरदार खातून है, और तुम तो सिर्फ एक धोखा हो। हेलो भाभी, संडे को माहिर और नरमीन निकाह कर रहे हैं। नरमीन ने खुद काफिस एक बेटा इस शहर में भी तो है, अगर आप चाहें तो उसकी तरफ आके रह सकती हैं, या फिर माहिर आ जाएगा आपके पास। इंसान को बीमारी में अकेला नहीं रहना चाहिए। मैं जानती हूं कि आप नरमीन को अपनी बहू देखना चाहती हैं। अगर मैं भी आपकी जगह होती ना तो मैं भी यही सोचती। आप गलत नहीं हैं, लेकिन मोहब्बत में गलत सही नहीं देखा जाता। शायद इसीलिए माहिर को मुझसे और मुझे माहिर से हो गई, लेकिन एहसास बाद में होता है कि आपने सही किया या गलत। माहिर को भी अब एहसास होने लगा है कि उससे गलती हो गई है, और मैं इसे गलती सुधारने से रोकूंगी नहीं। क्या लगता है उसका क्या रिएक्शन होगा? तलाक मांगेगी, तलाक दे दूंगा, ऑफिस से घर से निकाल देगी। ज्यादा क्या होगा, तुम्हारे साथ अलग रहना पड़ेगा। खुद को हमने है संभाला।
खुदे को मिला है तिनके का सहारा, क्या करूं। माँ है, शादीशुदा है, उसकी एक बीवी है, क्यों उसकी जिंदगी खराब कर रही हो, क्यों एक औरत का घर बर्बाद कर रही हो। आपने और अम्मी ने मेरे अंदर जो तोड़फोड़ की थी उसका यही नतीजा निकलना था। बकवास कम करें, मेरी और नाइंथ की नहीं बन सकी, मानता हूं मैं, आपकी जात पे भी असर हुआ होगा, लेकिन इसका बदला आप किसी मासूम से लेंगे इसका आपको हक नहीं है। अगर आपका दोस्त आपका एम्प्लॉय बन जाए ना तो उसका हाल जानना ज़रूरी होता है, और अगर आपका महबूब आपका मुलाजिम बन जाए तो उसका हाल जानना लाजिम होता है। एक अमीर बेवा से शादी करके अयाशी कर रहे हो, मेरा छोड़ना बहुत रास आया तुम्हें। सच कहा तुमने, तुम्हारा मुझे छोड़ना रास आ गया। तुम्हें हासिल करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, और अगर मेरे को छोड़ना ही सही है तो छोड़ दूंगा। लेकिन सौतन बनने में ही हम सबकी भलाई है, ऐसा ना हो कि तुम्हारी बात के प्रेशर में आके वो तुम्हें छोड़ दे या वो अपनी मालदार बीवी को ही छोड़ दे। अगर मुझे छोड़ना होता ना तो निकाह क्यों करता। लेकिन निकाह तो उसने मेहरुन्निसा से भी किया है। उस बुढ़िया का मुकाबला मुझसे मत कर। उनका मुकाबला मैं तुमसे कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक मौजब और पाक किरदार खातून है, और तुम तो सिर्फ एक धोखा हो। हेलो, हाँ मैं अभी उठा हूँ, हाँ बस आ रहा हूँ, तुम तैयार है ना, और अगर आंटी कहेंगी तो आज ही निकाह कर लेंगे, ठीक है। जी चचा करमदाद, कैसे आओ, बड़े सालों के बाद याद किया। बस यार वो तुम्हारी बहू ने जो हॉस्पिटल का इफ्तिताह करवाया है गांव में, बड़ी खुशी हुई है। कौन सा अस्पताल गांव में? और जहांगीर तूने अपने बाप का नाम रोशन कर दिया है गांव के गरीबों के लिए, खराती अस्पताल बनाकर, बड़ी मेहरबानी तेरी।
और तेरा और तेरी आल औलाद का नाम हमेशा रहेगा, जिंदा रहेगा हमेशा। ठीक है फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। नरमीन उठो अब तैयार हो जाओ। मुझे तैयार नहीं होना, अब जाए यहाँ से। नरमीन अम्मी प्लीज जाए यहाँ से। खुद को हमने है संभाला, अब दोबारा क्या करूं, डूबते को मिला है तिनके का सहारा, क्या करूं। आईने से आज हमने सर उठा के ये कहा है, मुस्कुराना सीख लो तुम, आंसुओं ने क्या दिया है। कॉफी पियेंगे? नहीं रहने दो। हेलो मिनार, सॉरी मैं बिजी था तो मैं कॉल करना भूल गया। इट्स ओके, अब तो मैं आपको खुदा हाफिज़ कहने के लिए फ़ोन कर रही हूँ। मैं और समीर मलेशिया जा रहे हैं 2 महीनों के लिए। वेरी नाइस, अच्छी बात है, हैव अ नाइस ट्रिप। जानते हैं आप मैं बहुत मुतमईन होकर जा रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे और अफान के यहाँ ना होने से माँ अकेली नहीं है, उनके पास आप हैं, एक ख्याल करने वाला, मोहब्बत करने वाला साथी। माँ बहुत लकी हैं कि उन्हें आप जैसा साथ मिला। थैंक यू। आपने मेरा आपको बाबा कहना नोट नहीं किया? तो उसके लिए भी थैंक यू। कभी कभी आप मुझे बाबा से भी ज्यादा अजीम लगते हैं। उन्होंने मेरी यंग और खूबसूरत माँ की कदर नहीं की, अपनी बीवी के इश्क में गुम रहे। आपने इस उम्र में माँ को वो मोहब्बत दी जिसकी वो हकदार थी। थैंक यू सो मच, हमेशा मेरी माँ का ऐसे ही ख्याल रखिएगा। ताफिस। ताफिस। कभी कभी आप मुझे बाबा से भी ज्यादा अजीम लगते हैं। मैं और अजीम? आज इतवार है। हाँ वो एक जरूरी काम के सिलसिले में बाहर जा रहा था। जाहिर है छुट्टी वाले दिन कोई खास काम ही होगा जिसके लिए जा रहे हो। नाश्ता नहीं करना, देर हो रही है मेरे। ठीक है जाओ। सॉरी मैडम। सॉरी नहीं कहो माहिर, मैं जानती हूं तुमने जाना है, पहले ही बहुत देर हो गई है। मैं रोकना नहीं चाहती तुम्हें, खुश दिली से इजाजत दे रही हूं, तुम जा सकते हो। मैं अकेली नाश्ता कर लूंगी। मुद्दतों के बाद हम भी सर फिर से हो गए हैं। जो कभी ना था हमारा हम उसे के हो गए हैं। तेरे जाने के बाद हमने यार खुद को पा लिया है। जो
खुदा हाफिज़। जो हुआ सो हो चुका है, इस जमाने को क्या पता है। मैं जानती हूँ तुमने जाना है, पहले ही बहुत देर हो गई है। मैं रोकना नहीं चाहती तुम्हें, खुश दिली से इजाजत दे रही हूँ, तुम जा सकते हो। जो मुकद्दर में लिखा था वो तो हमने जी लिया है, जाम कड़वा जिंदगी ने जो पिलाया पी लिया है। अब कहानी हम लिखेंगे, एक कहानी हम लिखेंगे, हर सफे यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो जाना था। आपको क्या लगता है, आसान था सब मेरे लिए? मुश्किल भी नहीं था। मुश्किल था मेरे लिए, सब कुछ छोड़ के चले जाना आसान होता है, लेकिन ऐसी मोहब्बत को छोड़ना जो दिल में घुस चुकी हो आसान नहीं होता। कोशिश की मैंने, लेकिन अकेला भी नहीं होता, आप नहीं होती। हौसला नहीं है तन्हा रहने का, और ना ही इस दिल से मोहब्बत को निकालने का जो आपसे हो गई, और इस कदर मोहब्बत हो गई कि आपसे फरार भी अगर चाहे तो आपसे कुछ छोड़ नहीं सका। रुका क्यों नहीं आपने मुझे? हाँ, अब जता सकती थी ना, बस यूं जाने दिया। मोहब्बत ही थी आपको मुझसे? मोहब्बत ही थी, इसीलिए नहीं रोका, जाने दिया। अगर तुम्हें रोकती तो खुद के साथ और तुम्हारे साथ ज्यादती करती मैं।
अनु सवाल कर सकती थी आप। सवाल जवाब जानने के लिए किया जाता है। मैं तो सब जानती थी। मैंने तो सोच लिया था, मैंने सोच लिया था कि जिस दिन तुम जाना चाहोगे तुम्हें जाने दूंगी, नहीं रोकूंगी। तुम्हें खुश दिली के साथ, मोहब्बत के साथ रुखसत करूंगी, उन सब आसाइशों के साथ जो तुम्हें यहां पे मुयस्सर थी। और इस सब के बदले मैं आपको खो देता। तो मुझे दुनिया का पता नहीं कोई मुफलिस इंसान बनाना चाह रही थी। तो शुक्र है मेरा दिमाग चल गया, मेरे पास अकल है, वरना ये जो आपकी अच्छाई है ना, ये मुझे कहीं का नहीं छोड़ती। खुद को हमने है संभाला, अब दोबारा क्या करूं, डूबते को मिला है तिनके का सहारा, क्या करूं। आईने से आज हमने सर उठा के ये कहा है, मुस्कुराना सीख लो तुम, आंसू तेरा मैं हो गया, बस तुझ में खो गया, दुनिया क्या कहेगी इससे मैं बरी हो अफ़ान की कॉल आई थी मेरे पास, कह रहा था कि इस बार समर्स की छुट्टियों में आप और मैं उसके पास यूएस चलें। तो तुम तो जानते हो मैं नहीं जा सकती, इतना काम है। हाँ जानता हूँ, बोल दिया मैंने उसे। अरे सैड ने पिक्चर्स भेजी हैं बच्चों की। रियली? हाँ मुझे दिखाओ। सो क्यूट। ये देखो क्यूट ना, ये तो बिल्कुल अफ़ान जैसा है। क्यूट माशाल्लाह। क्यूट शक्ल मुझसे मिल रही है, दादा पे गया बिल्कुल। मिल तो रही है वैसे। हाँ देखो। ओके। है ना? वैसे एक बात तो बताओ, तुमने हर रंग हर लुत्फ अपने पे क्यों हराम कर रखा है? एंजॉय करो, जाओ। मैं पहले आपको कभी छोड़ के गया? जब छोड़ के जाऊँ तो मेरे पास तो मिनाल होगी ना। मैं जिंदा हूँ भाई, अभी जब मर जाऊंगा ना आराम से अफ़ान और मिनाल के साथ चल करिएगा, अभी मैं जिंदा हूँ। ऐसे नहीं कहते, इतने सालों में कितना बदल लिया तुमने अपने आप को, मेरे अंदाज मेरे रंग में ढल गए हो तुम, बस एक चीज नहीं बदली। क्या? फजूल बोलना। हाँ हाँ आपके साथ रहूंगा ना तो अच्छा बोलना भी सीख लूंगा बहुत जल्द। वैसे अरे आपको बताना भूल गया यार, वो मेरे रकीब की भाभी का फोन आया था। कौन रित्व? वो इत्तेसाम साहब। बुरी बात है, दुनिया से चले गए। अब वो बनने तो मेरे रकीब चले थे ना ऑब्वियसली, मगर मैं वो अच्छा हुआ आपने उनसे शादी नहीं की, आप दूसरी बार बेवा बनती। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। दुर्दाना पापा क्यों कॉल आया था? वो कह रही थी कि पैसों की जरूरत। भेज दिए? भेज दिए। गुड। और कोई हुक्म? हाँ फैसलाबाद जाना है। ओके। और वहाँ हॉस्पिटल की एक्सटेंशन चल रही है, जाना तो होगा। मैं अकेले बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, आप मेरे साथ जाएंगे। लास्ट टाइम भी अकेला गया था मैं। चली जाऊँगी। हाँ प्लीज। डन। ओके। जाऊँगी। हाँ गुड। फ्रेश एयर। फ्रेश एयर।